सीखने से घबराएं नहीं, क्योंकि यह संघर्ष ही नहीं अपितु भक्ति है। अगर जाननी है मंजिल की दूरी तो पहले यह जान लें कि आपके तर्क में कितनी शक्ति है। नमस्कार, मैं रमन सारण, डायरेक्टर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। आप पढ़ेंगे मेरे साथ तर्क शक्ति। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुरखाब कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पे तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन जो है यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफ़ी सारे विद्यार्थी जो है इस सेमिनार को लेकर के काफ़ी उत्साहित हमें दिखाई दिए, और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी अच्छी खासी संख्या में जो है यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं लक्ष्य के, चाहे वो पुराने स्टूडेंट हैं, चाहे वो नए स्टूडेंट हैं, चाहे जो अब हाल फिलहाल में स्टडी कर रहे हैं वो हैं, तो तमाम जो विद्यार्थी यहाँ पे आज के सेमिनार में पहुँचे हुए हैं। आज के सेमिनार का खास मकसद यही है कि नई बिल्डिंग का जो शुभारंभ है लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के द्वारा वो किया जा रहा है, और विद्यार्थियों को नई बिल्डिंग का एड्रेस बताने का मुख्य मोटिव, और इसके साथ साथ नई बिल्डिंग के उद्घाटन के अवसर पर किस तरह की विद्यार्थियों को छूट दी जाएगी, किस तरह से लक्ष्य जो है लक्ष्य कोचिंग क्लासेस है वो किस तरह की स्कीम और लेकर के आई है, कौन कौन से नए कोर्सेज लेकर के आई है, वो तमाम सारी बातें जो है वो आज यहाँ पे विद्यार्थियों को इस सेमिनार के माध्यम से बताई गई। तो चलिए अभी इस मामले में मेरे साथ लक्ष्य के जो अगर बात करूँ तो अध्यापक हैं एक, उनसे बातचीत करते हैं, मनोज कुमार जी। उसके बाद विद्यार्थी जो हैं वो क्या कुछ कहते हैं आज के सेमिनार को लेकर के, और लक्ष्य द्वारा दी गई छूट को लेकर के क्या कुछ कहते हैं। मनोज, पैसा कमाना कितना मुश्किल है, लंबी थोड़ी भी स्ट्रक्चर नहीं है, आगे तो कहीं में अब पहुंचिए, ये कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, लेकिन फिलहाल वही 5500 रुपए चार महीने के आपको पे करने पड़ रहे हैं। कंपेरिजन तो करने की कोई यहाँ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत ज्यादा फर्क है। आज जो मुख्य एजेंडा था आज की इस मीटिंग का, वो क्या? सबसे पहले तो मैं लक्ष्य कोचिंग क्लासेस की तरफ से कि हरियाणा की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो यहाँ पे पहुँचे। आज का जो हमारा फंक्शन था वो हमारे जो नया कैंपस बन रहा है उसके रिगार्डिंग था, बच्चों को रूबरू करवाना था कि हमारा जो कैंपस है वो बन के बिल्कुल तैयार हो गया है, और सोमवार से उसके अंदर बिल्कुल क्लासेज हमारी शुरू हो जाएगी। तो आज जो भी बच्चे आए हुए थे उनके लिए हमने ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं रखा था, रिफ्रेशमेंट का प्रोग्राम था। आधे घंटे हमने उनको अपने कैंपस के बारे में, अपनी फैकल्टीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया। इस उद्घाटन के अवसर पे लक्ष्य जो है वो कौन कौन से नए कोर्सेज और नए बैचेज जो है वो शुरू करने वाले? आज के उद्घाटन के लिए हमने जैसे एक स्पेशल ऑफर रखा है कि जो हमारे फर्स्ट 100 स्टूडेंट होंगे, जैसे कि हमारे पास इंक्वायरीज आती हैं, काफ़ी स्टूडेंट इकोनॉमिकली वीक होते हैं तो वो कहते हैं जी हम एक बार में इतनी फीस पे नहीं कर पाएंगे, तो हमने उसके लिए क्या है कि फाउंडेशन बैच शुरू किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फाउंडेशन बैच में क्या होता है, ये जो रेगुलर हमारा 3 से 4 मंथ का बैच होता है उसकी तरह बैच नहीं होता है, ये बैच हमारा 5 से 6 महीने का बैच चलता है। इसके अंदर जो स्टार्टिंग की हमारी रजिस्ट्रेशन फीस रहती है वो 1500 रुपये रहती है, वो जिस दिन हमारे डेमो 3 दिन का फ्री डेमो हो जाता है उसके बाद ये फीस हमें जमा करवानी होती है। उसके बाद जो भी बच्चे इसको ज्वाइन करते हैं वो मंथली 1000 रुपये के हिसाब से अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं, और ये जो बैच चलेगा ये हर एक हरियाणा की, जितने मैं बोलूं कि HPSC की बोलूं, HCS की बोलूं, हरियाणा पुलिस की बोलूं, हर किसी की कॉमन तैयारी हम इसके अंदर करवाते हैं। इसके अंदर बिल्कुल बेसिक लेवल से हम शुरू करते हैं और एडवांस लेवल तक इसको लेके जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 5 से 6 महीने का काफ़ी टाइम हो जाता है। इसके अंदर बाहर से टीचर भी आते हैं, विजिटिंग लेक्चर्स भी होते हैं, तो इसके अंदर बहुत सारा बच्चों को फ़ायदा मिलने वाला है। जो फर्स्ट हमारे 100 बच्चे होंगे, ये कैंपस का उद्घाटन है उसके लिए ही ऑफर रखा है हमने। ठीक है, आपने जो है वो नई बिल्डिंग खुद की बना ली है, तो उसमें किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बच्चों को मिलेगा, किस तरह की सुविधाएं उस नई बिल्डिंग में मिलेगी? तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही पीसफुल है, हमने उसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि नॉइस बिल्कुल नहीं रहेगी उसके अंदर। दूसरा, जो हमारा एडमिन ब्लॉक है, ऑफिस है, वो एकदम परफेक्टली डिज़ाइंड है। बच्चा अंदर जाएगा उसको साफ साफ दिख जाएगा कि कहाँ मेरे को इंक्वायरी लेनी है। उसके लिए फुल्ली AC है, सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि पूरा कैंपस हमारा फुल्ली AC है, लाइट की उसमें कोई समस्या नहीं है। जैसे कि हमारी पहले रेंटेड बिल्डिंग्स होती थी उसके अंदर हम अपनी तरफ से उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी हम अपनी तरफ से हमने इसको डिज़ाइन किया है, तो इसके अंदर जो गैदरिंग रहेगी उसके अंदर भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कोविड को लेके भी हमने उसके अंदर बहुत सारे इंतजाम जो है हमने कर रखे हैं, वहाँ आपको सैनिटाइज़र, मास्क है, सारी चीज़ें, सोशल डिस्टेंसिंग है, सब चीज़ें हम मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि वो हम अपने नए कैंपस में ही कर सकते हैं।
पानी की जैसे व्यवस्था होती है, टॉयलेट्स की होती है, वो हमने हर एक जो सुविधा हमने मद्देनज़र रखी, जैसे गर्ल्स का हमने अलग किया है, बॉयज़ का हमने अलग किया है, तो उसके अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस उसमें नहीं रहेगी, तो बच्चों को एक पीसफुल वातावरण मिलेगा पढ़ाई के लिए, और बढ़िया उसके अंदर हमने मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा लगवाया। दूसरा, अभी लक्ष्य कोचिंग क्लासेस अपना एकेडमिक फील्ड भी लेके आ रहा है। अप्रैल से हम अपना एकेडमिक सेशन शुरू कर देंगे, जिसके अंदर हम 6th से लेके 12th तक का क्लासेस शुरू करेंगे, और ये क्लासेस पूरे दिन रहेगी हमारे पास। हर एक जो फैकल्टी है वो बाहर से है, वेल एक्सपीरियंस, जिसको मैं बोलूँ 10 ईयर से ज़्यादा ही है उनके पास, कम नहीं है। और जैसे फिजिक्स की बोलूँ, केमिस्ट्री की बोलूँ, बायो की बोलूँ, तो सारे सब्जेक्ट आपको अंडर वन रूफ मिलेंगे, यानी एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे। अभी क्या होता है कि जो सिरसा के अंदर जो बच्चे 11th 12th की जो कोचिंग ले रहे हैं, उनको क्या करना पड़ता है, फिजिक्स के लिए कहीं जाना पड़ता है, केमिस्ट्री के लिए कहीं जाना पड़ता है, बायो के लिए कहीं जाना पड़ता है। स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत दिक्कत होती है, उनके पेरेंट्स को भी दिक्कत होती है कि वो उनको पहले ड्रॉप करके आते हैं, फिर लेके आते हैं, फिर दूसरी जगह ड्रॉप करके आते हैं, और दूसरा फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई रहता है। लेकिन हमने इस तरह का अपना कैंपस डिज़ाइन किया, हमारे पास फैकल्टी इतनी ज़्यादा है, मतलब अंडर वन रूफ हम ये सारी फैसिलिटी एक बच्चे को प्रोवाइड करवाएंगे। 11वीं 12वीं का बिल्कुल पूरा कोर्स हम यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे हमारे पास। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे मनोज जी ने बताया कि किस प्रकार से नए बिल्डिंग का जो शुभारंभ है, उसके अंदर नई बिल्डिंग के अंदर किस तरह से नया सिस्टम जो है वो लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बच्चों को प्रोवाइड करवा रहा है। और एक स्पेशल चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो एकेडमिक सिलेबस है, एकेडमिक जो ट्यूशन जिसको हम कह सकते हैं, ट्यूशन जो बच्चों की करवाई जाती है, वो एक ही छत के नीचे सभी सिलेबस की ट्यूशन भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए इस कार्यक्रम को लेकर के यहाँ लक्ष्य में आए हुए तमाम स्टूडेंट जो हैं वो लक्ष्य के बारे में क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। आज हमारा यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है कि न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ है फाउंडेशन, इसमें एकेडमिक भी क्लासेस का बताया गया है कि बेस स्टार्टिंग नर्सरी से ले, जैसे फर्स्ट क्लास से लेके बीएससी लेवल तक के स्टूडेंट्स के लिए फैकल्टी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई है। आप डेमो क्लासेस भी लगा के कर सकते हैं कि ट्राई कर सकते हैं कि कैसा है यहाँ, और ऑनलाइन क्लासेस भी देख सकते हैं कि दोनों में आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितना फ़र्क होता है। यहाँ पे हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं, उनकी अलग अलग, जैसे यहाँ पे ये नहीं है कि जैसे कोचिंग करके ही टीचर्स पढ़ाने लग जाए, यहाँ पे पीएचडी लेवल के टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। आप एक बार आओ, ट्राई करो, फिर आपको पता चलेगा दूसरी कोचिंग से और इस कोचिंग में क्या फ़र्क है। फर्स्टली तो आज जो यहाँ पे फंक्शन हुआ है उसके लिए मैं महेश सर को, डायरेक्टर सर को, सभी को बधाई देना चाहती हूँ, और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि अपना कोई ना कोई लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य बनाओगे तभी आप आगे ग्रेड अप कर सकते हो। मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी ली हैं पर उसमें उतना बेनिफिट नहीं हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि लक्ष्य में आए, ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कीजिए, और जो आज का जो भी शेड्यूल बताया गया उसे आप सब आएँ और अपनाएं, और बाकी सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ। बाकी मेरा तजुर्बा ये रहा है कि मैं अभी कल एग्ज़ाम दे के आई हूँ RBI का, मुझे यकीन नहीं था कि मैं दे भी पाऊँगी, पर यहाँ पे सर ने मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे बताया कि भाई कैसे करना है, किस हिसाब से करना है, मैं फ़र्स्ट टाइम ही देकर आई, तो यहाँ पे हौसला, मोटिवेशन अच्छा है। और एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है, कोई भी टेस्ट होता है वो OMR शीट पर ही दिया जाता है, तो आगे अब यहाँ पे फैसिलिटी अच्छी है, न्यू बिल्डिंग है, तो अब हम कल जाकर वहाँ पता करते हैं कि किस तरह क्या माहौल है वहाँ पे, पर बाकी तजुर्बा काफ़ी अच्छा रहा है। थैंक यू। लक्ष्य के साथ मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है, अभी मेरे को वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 1 मंथ ही हुआ है, तो मेरे को अच्छा लग रहा है। और मोस्टली आज तक मैंने मतलब हिंदी सब्जेक्ट मेरा बहुत ही पीछे था, लेकिन यहाँ के सर हिंदी वाले मोस्टली मैं बोलूँगी तो मतलब बहुत अच्छा, उनका तरीका बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज जो फाउंडेशन क्लासेस शुरू करने के बाद कही गई है, तो फाउंडेशन क्लासेस में आपको क्या लगता है कि किस तरह से बेनिफिट आपके लिए होगा? हाँ, फाउंडेशन क्लासेस में बेनिफिट तो है, जैसे हम मतलब गांव से स्टूडेंट आते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, मोस्टली देखा है कि यहाँ पे गांव की स्टूडेंट हैं तो उनके लिए है बेनिफिट यहाँ पे। बढ़िया अनुभव रहा सर हमारा, हमने पिछली बारी बैच में एडमिशन लिया था और बढ़िया फैकल्टी है, बेस्ट फैकल्टी है इन सिरसा के अंदर, हमने ऐसा मतलब अभी तक सिरसा में बेस्ट है, बढ़िया टीचर्स कराती हैं, पूरा बेसिक से करा रहे हैं सिलेबस।
पी है जी, हमने पहले पिछले सिरसा में, अब की बार लक्ष्य में पहली बार हमने एडमिशन लिया। पहले हमने लॉकडाउन से पहले करियर पॉइंट में एडमिशन लिया था, उससे कहीं ज़्यादा हमें मतलब फैकल्टी मिल रही है अच्छी एकदम, जो हमें मतलब हमारी जो डाउट आती है वो सारी क्लियर होती है, एकदम बारीक बारीक चीज़ें से करवाते हैं। हाँ, लगभग जो हम ग्रामीण शहर से आते हैं, हमारी दिक्कत यही आती है कि लगभग फीस की दिक्कत आती है, तो हम इंस्टॉलमेंट में हम महीने महीने, वो भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से अगर बच्चा अगर जो पढ़ने का इच्छुक है, ये हमारी पूरी मदद करते हैं, अच्छी इंस्टॉलमेंट देते हैं, अच्छा बेसिक क्लियर करवाते हैं। लक्ष्य में लगने का मुझे मतलब अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है, मुझे 3-4 महीने हो गए, अच्छे से तैयारी करवाते हैं, पिछले मतलब 10-15 मिनट तक रिप्लाई भी करते हैं, रिवाइज करवा देते हैं, बस मुझे तो 3-4 महीने हुए हैं, 6 महीने तक के क्वेश्चन नए तरीके से शुरुआत होने जा रही है। हाँ जी, हाँ जी सर, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मतलब न्यू बिल्डिंग है, मतलब पहले तो नहीं किया था इतना, तो अच्छा है, मतलब एग्ज़ाम क्लियर करवाने के लिए टीचर भी सारे बेस्ट हैं, बिल्डिंग भी बेस्ट करी है, मतलब बच्चों को देखते खुला माहौल देखते हैं, तो खुला उनके लिए सही है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा कार्यक्रम दिखाया कि लक्ष्य के जो संचालक हैं, जो यहाँ के टीचर्स हैं, वो क्या कुछ कहते हैं और बच्चे क्या कुछ कहते हैं। अब इससे अगली एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको लक्ष्य का पूरा जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, वो पूरा बिल्डिंग स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि आखिर किस तरह की फैसिलिटी जो है वो उस बिल्डिंग के अंदर दी गई है। जो अभी मनोज जी ने बताया, क्या वो सारी चीज़ें उस बिल्डिंग के अंदर हैं या नहीं हैं, वो तमाम सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको दिखाऊँगा, तो उसके लिए लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ। कैमरा सहयोगी मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।